A ring of radius 0.1 meter is made out of a thin metallic wire of area of cross section 10 raised to power minus 6 meter square. The ring has uniform charge of pi coulomb. Find the change in the radius of ring when a charge of 10 raised to power minus 8 coulomb is placed at the center of the ring, given that Young modulus is 210 power 11 newton per meter square. पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. सी, मेरे पास एक रिंग है और इस पे कुछ चार्ज है, टोटल मिला के पाई कूलम दे रखा, और सेंटर पे चार्ज है 10 पावर माइनस 8 कूलम. हमसे बोला गया है कि ऐसी सिचुएशन में ये रिंग इसकी वजह से एक्सपैंड होगी, फूलेगी, तो ऐसे में कितना इंक्रीज इन डेल्टा, इंक्रीज इन रेडियस होगा, दैट इज डेल्टा आर वी हैव टू फाइंड आउट. डेटा जो भी दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं कि हमें यूज कैसे करना है डेटा. देखो, इस मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर. एक तो ये डेटा दे रखा है, फिर इसका रेडियस दे रखा है हमको 0.1 मीटर. देन वी हैव बीन गिवन द यंग मॉडुलस. बाकी डेटा मैंने पिक्चर में लिख दिया है 210 पावर 11. देखिए, यंग मॉडल्स देती है, हमारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि ये कुछ एक्सटेंशन की बात चल रही है जो 11वीं क्लास वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा जाता है. और यंग मॉडल्स का फॉर्मूला क्या है, एक्सटेंशन डेल्टा आर भी निकालना है, वाई भी दिया हुआ है. इट इज गिवन एज द स्ट्रेचिंग ऑफ द वायर एट एनी पोर्शन, मतलब रेडियस वाइज स्ट्रेचिंग कितनी हो रही है वो निकालना है हमको, कितना खींच रहा है वायर. लेट मी कॉल इट स्ट्रेचिंग फोर्स. स्ट्रेचिंग फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ए होल डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन. ओके, नाउ व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन इज डेल्टा आर बाय आर. तो स्ट्रेन को यहां ले जाते हैं, डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल्स टू स्ट्रेचिंग फोर्स एफ एस टी अपॉन एरिया एन वाई. अब यंग मॉडुलस दिया है, रेडियस दिया है डेल्टा आर, ये हमको निकालना था, देखो हमने निकाल लिया. ठीक है, इंटू आर अपॉन ए एन वाई. ऑल दी पैरामीटर्स आई नो, रेडियस आई नो 0.1 मीटर, एरिया आई नो 10 पावर माइनस 6, एंड यंग मॉडुलस आई नो 10 पावर 11, 210 पावर 11, सब पता है हमको. तो डेल्टा आर आ जाएगा हमारा 210 पावर 5 एंड इट विल बिकम माइनस 6. सो एफ स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू 10 की पावर माइनस 6. सो अगर हम ये स्ट्रेचिंग फोर्स सॉल्व कर पाए तो हमारा आंसर आ गया. अब नोटिस करिए, हम ये जब बल्क प्रॉपर्टी पढ़ा था तो जो वायर होता है वो ऐसे स्ट्रेच होता है, और एरिया घर्षण कह लेते हैं ये शेडेड पार्ट, यानी कि एरिया क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है फोर्स. यानी कि अगर हम इस वायर की बात करें तो ये फोर्स हमको लेना चाहिए टेंजेंशियल, क्योंकि एरिया ऐसा है, गोला बनाया था मैंने, इसका मतलब हम छोटा सा पोर्शन ले सकते हैं, बहुत छोटा सा, जो सपोज थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा एंगल, और यहां पर चार्ज है 10 पावर माइनस है जो फुला रहा है इसको, और फुलाने की वजह से क्या होगा, यहां पर हम टेंशन दिखा सकते हैं टी और ये टी. आई होप ये कट ना रहा हो वीडियो में. हाँ सही है, परफेक्ट. तो वायर खींचने से मना करेगा ना, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, खींचना नहीं चाहते. ये तो वर्क प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने, अपने लैटर्स को बदलना नहीं चाहेगा तो टेंशन डेवलप होगा. पहले क्या आता है, पहले स्ट्रेन आता है, उसके खिलाफ में आता है हमारे एक, पहले स्ट्रेन आएगा फिर स्ट्रेस आएगा, और स्ट्रेस की बात चल रही है यहां पे टी अपॉन ए, यहां पे टी की बात चल रही है, तो अपने आप को खींचने से रोकेगा. अब देखिए, अगर ये थीटा है तो ये हमने लाइन खींच दी एक, और ये क्या हो जाएगा, एक कॉम्पोनेंट हो जाएगा इस टेंशन का, और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा. कंपोनेंट बड़े कभी नहीं होते, पर मैं बना रहा हूं बड़ा, चलो इसको बना लेते हैं. एक ये हो गया और एक ये हो गया. तो दिस भी, पहले थीटा को हमने आधा पार्ट दिया तो थीटा बाय टू, दिस इज थीटा बाय टू, दिस विल बी टी कॉस थीटा बाय टू, एंड दिस विल बी, दिस वाला कंपोनेंट विल बी टी साइन थीटा बाय टू, एंड दिस विल बी सिमिलरली टी कॉस थीटा बाय टू, एंड दिस विल बी टी साइन थीटा बाय टू. तो दिस इज द डाउनवर्ड टेंशन, ये तो कैंसिल हो गया ना, दिख रहा है आपको. तो रिपल्सिव फोर्स जो ऊपर लग रहा है उसके खिलाफ में ये डाउनवर्ड टेंशन फोर्स लग रहा है,
और डेल्टा तभी तो निकालोगे जब बैलेंस हो चुका होगा। अगर अगर ये कम या वो ज्यादा या वो कम ये ज्यादा ऐसा कुछ होगा तब तक तो हम नहीं निकाल सकते डेल्टा। डेल्टा तो फाइनल सिचुएशन है ना, दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम 2t sin θ/2, क्योंकि आई हैव टेकन अ वेरी स्मॉल पोर्शन विच विल बी इक्वल टू डी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पाई दिस 10⁻¹ एंड वॉट एवर वेरी स्मॉल चार्ज वी हैव, बिकॉज पाई तो पूरे पर है ना, ये तो छोटा सा चार्ज होगा जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया, लेट से वी हैव टेकन द एलिमेंट dl। इसलिए dl शायद ना दिख रहा हो, कट रहा हो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये इस पे इसकी लेंथ जो है आर्क लेंथ dl ले रही है, तो ऑब्वियसली छोटा सा जो फोर्स होगा वो डी एफ ई ही होगा। अब क्योंकि हमने बहुत छोटा पोर्शन लिया है तो एंगल सबटेंडेड भी छोटा है, ऐसे में हम जानते हैं कि साइन अल्फा अल्फा के बराबर ले जाता है और ये लिमिट जो होती है 30 डिग्री तक एप्लीकेबल होती है। 30 डिग्री तक आप साइन अल्फा इक्वल टू अल्फा ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, और रेडियन में कन्वर्ट करो, 5/6 रेडियन, दैट इज ऑल्सो 0.0504, वेरी क्लोज टू। इसके बाद थोड़ी ज़्यादा एरर आने लगती है, तो 30 तक हम ले सकते हैं इस चीज़ को। तो ऐसे में हम जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t θ/2 इज इक्वल्स टू डी एफ एंड दैट्स इट। अब अगर हम पूरे के लिए निकालना चाहें तो ये एफ हो जाएगा, और थीटा पूरा कितना हो जाएगा सर्कल के लिए, पाई, 2 पाई सॉरी। तो वी हैव टेंशन इज इक्वल्स टू एफ अपॉन 2 पाई। ये हमारा टेंशन आ गया, अब हमें बस एफ निकालना है और 2 पाई से डिवाइड कर देना। आई सॉल्व करते हैं एफ को। एफ इज के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, कितना है 9 10 पावर 9, Q कितना है 10 पावर -8, Q2 कितना है पाई, और आर स्क्वायर कितना है, डेट इज रेडियस का स्क्वायर 0.01। सो व्हाट आर वी गेटिंग, और हाँ पाई को सॉल्व नहीं कर रही है, फिर बेहतर होगा हम यहीं पे सॉल्व कर दें 2 पाई को, कि पाई कैंसिल हो रहा है ना, ये सही है। तो पाई से पाई कैंसिल, 9/2 4.5 इंटू 10 पावर 9 -8, ऊपर देगा आप -6 + 3, सो वी गेट एफ अपॉन 2 पाई कितना आ गया 4,500 न्यूटन। सो ये जो स्ट्रेचिंग फोर्स है यहां रख दीजिए, दैट इज 4,500 10 की पावर -6, एंड ऑब्वियसली दिस इज इन मीटर, सो आई कैन राइट 4.5 mm, दैट इज द स्ट्रेचिंग इन द वायर। रिमेंबर दैट ये जो एफ 2 पाई है, ये मैं डायग्राम में बनाना चाहूं अगर तो कैसे बनाऊंगा, हर पोर्शन पे इधर की तरफ जो फोर्स है वायर का और इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये इसको एक्सटेंड करने के बाद जो बैलेंसिंग हुई है उसके बाद हमने ये डेल्टा निकाला है। ठीक है, तो लॉजिकली भी आई होप समझ में आ गया, वो बाय पार्ट से मैंने किया है कि क्यों डेटा दिया गया ऐसा, और ये एक्सप्रेशन निकालना बहुत जरूरी था कि हम टेंशन कैसे निकाल रहे हैं, डाउनवर्ड है इन अपोजिशन टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू द पाई, ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन 10⁻¹ कूलम एंड पाई कूलम। ठीक है, दैट इज द एंड ऑफ द सॉल्यूशन।